नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रेलवे की जितनी भी वैकेंसियां चल रही है और जितनी भी वैकेंसियां आने वाली है, कहने का मतलब है चाहे ALP हो, टेक्नीशियन हो, RPFSI कॉन्स्टेबल हो, JEE हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, पैरामेडिकल हो, या फिर आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल का वैकेंसी हो, रेलवे की जितनी भी वैकेंसी आ रही है फ्यूचर में जो आने वाली है उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सबसे बड़ा और बिगेस्ट अपडेट आया है, जिसको यहाँ पे जिससे क्या होगा कि छात्रों को काफी हद तक फायदा होगा और छात्रों के लिए अच्छी खबर आ रही है, परंतु इससे कुछ छात्रों को बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग A to Z डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। और रेलवे का कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, PDF, ऑफिशियल अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ऐड हो जाएगा ताकि फर्दर का अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहे। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आया जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके आता है, जिसमें 2023 एडिशन देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर 10,000 से ज्यादा इसमें शॉर्ट पेपर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बात करेंगे तो सेम आपका रीजनिंग का भी बुक आता है, चैप्टर वाइज टाइप है, इसमें भी 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर TCS बेस पे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार आपका 2024 का लेटेस्ट एडिशन किरण पब्लिकेशन की रेलवे 9 ऑल एग्जाम करके बुक आती है, जिसमें सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है, 3700 से भी ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप बेसिकली NTPC का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट बेसिस पे तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपका पूरा का पूरा सेट्स 61 से लेकर 29 तक का ये पहला 2021 लेटेस्ट का एडिशन है और 24 एडिशन है और 21 का सॉल्व पेपर मिलेगा। इसके साथ साथ ये बुक आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, ये है फाइनली ऑफिशियल रेलवे की तरफ से अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, और इस अपडेट के बारे में बात करें तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, परंतु उन सभी छात्रियों के लिए बैड न्यूज़ है जो यहाँ पे धोखाधड़ी, धांधली, फर्जीवाड़ा करते हैं रेलवे में जॉब पाने के लिए, उन लोगों के लिए बुरी खबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट आ रहा। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली, 24/8/2024 के डेट में ऑफिशियली ऑर्डर जो पारित कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, देखिए चाहे हम 18 वाली वैकेंसी में बात कर ले, 19 वाली वैकेंसी में बात कर ले, तो ऐसा कई केस देखने को मिला जिसमें जाली फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर भी बहुत सारे छात्र रेलवे में जॉब ले लिए। उसके बाद कई सालों के बाद, 20 साल, 25 साल, 30 सालों के बाद जब फिर से वेरिफिकेशन हुआ, तब जाकर पता चला कि जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे वो छात्र रेलवे में जॉब लिए थे वो उनका डॉक्यूमेंट ही फर्जी था, डॉक्यूमेंट जाली था। उसके कई सालों के बाद उनको यहां पर फिर बर्खास्त किया गया, तो फिर वैसा सिस्टम का क्या फायदा जब वो सर्टिफिकेट को ही नहीं पकड़ पा रहा कि कौन जाली है और कौन रियल है। ठीक है, तो इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपडेट दिया है कि अब जो भी आपका रेलवे भर्ती में परीक्षाएं होंगी, जो भी आपका DV होगा, आपको ट्रेनिंग के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जो ST SC वालों को पास मिलेगा, वो सारा का सारा लिंक अब हो जाएगा DigiLocker से। ठीक है, DigiLocker एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप लोग को प्ले स्टोर में भी दिख जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लोगे, जिसमें आप सभी अपना सरकारी दस्तावेज को रख सकते हो, चाहे वो 10th का हो गया, ITI का हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और अब जो है रेलवे डायरेक्टली DigiLocker से आपका सभी भर्तियों को लिंक करने वाली है। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पे रेलवे का अपडेट आ गया है, DigiLocker इन रिक्रूटमेंट, जो एक बहुत बड़ा क्रांति है। समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो भर्ती है वो अब आपका यहाँ पे डिजिटलाइजेशन हो गया पूरा का पूरा भर्ती में। ठीक है, परंतु अगर बात करें तो इससे कुछ साथियों को नुकसान भी होगा, उन साथियों को नुकसान होगा जो एक ही समय में डबल डिग्री लिए हैं, जैसे एक ही साथ में वो 12th भी कर लिए और एक ही साथ में ITI भी कर लिए, या फिर ये होगा कि सेम ईयर में वो यहाँ पे ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और सेम ईयर में वो बाहर से ITI भी कर रहे हैं। तो इस टाइप के कैंडिडेट को भैया अब यहाँ पे जो एक ही डिग्री का एक बार आप फायदा उठा सकते हो, चाहे वो ITI का उठा लो, ग्रेजुएशन का उठा लो, या फिर 12th का उठा लो, या फिर ITI का उठा लो। अगर आप चाहोगे कि एक ही भर्ती प्रक्रिया में दोनों सर्टिफिकेट का प्रयोग कर लें तो ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है, हम एक मोटा मोटी लैंग्वेज में जो नोटिफिकेशन का सार है वो आपको यहां पे समझा देना चाहेंगे। सब्जेक्ट में देखिए, DigiLocker इन रिक्रूटमेंट बाई RRB जोनल रेलवे। तो रेलवे के जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में वैकेंसी आई, LP टेक्नीशियन, RPFSI कॉन्स्टेबल, जूनियर इंजीनियर और NTPC
उसके बाद ग्रुप डी आइसोलेटेड और पारामेडिकल का सभी वैकेंसी में लागू होगा। और इसके साथ साथ जोनल रेलवे में जो वैकेंसी आएगा, जैसे आपका जीडीसी, एलडीसी, डिपार्टमेंटल कोटा, प्रमोशनल कोटा, सभी वैकेंसी में अब इसको लागू कर दिया गया है। क्या बोला जा रहा कि विथ दी पॉलिसी ऑब्जेक्ट ऑफ शार्पली कॉम्प्रेसिंग रिक्रूटमेंट टाइमलाइन बिटवीन वैकेंसी नोटिस टू ज्वाइनिंग बाई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक इट बेटर सिक्योर टू बींग इफिशियंस ट्रांसपेरेंसी एंड इलिमिनेट रेलवे बोर्ड एंड मीटी। ठीक है, तो यहाँ पर लेकर जो अपडेट आ रहा कि इसको लेकर अक्टूबर 2023 में इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा गया था, परंतु फर्स्ट आरआरबी रिक्रूटमेंट नोटिस इन मार्च 2024 विल लाइव सक्सेसफुली। तो जो आपका मार्च 2024 में रिक्रूटमेंट हुआ उसमें सक्सेसफुली अब इसे यहाँ पे लाइव कर दिया गया है, जो सभी रिक्रूटमेंट में अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डिजी लॉकर के थ्रू ही आपका डीवी होगा, आपको पास मिलेगा, जो एसटीएससी वालों को पास मिलता है ट्रेवलिंग पास जब आप एग्जाम देने जाते हो, और जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो भी आपका डिजी लॉकर के थ्रू आएगा, जो आपको ट्रेनिंग के लिए ऑथराइज मिलता है कि कौन सा यूनिट अलाउ किया गया डिजी लॉकर के थ्रू आएगा, मतलब ए टू जेड रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको डिजी लॉकर के थ्रू आएगा। तो इन सभी बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी फर्जी वाले होते थे, जो पहले फर्जी फर्जी दस्तावेज बनाते थे, फर्जी फर्जी तरीके से एग्जाम देते थे, उन सभी के लिए भैया बहुत बैड न्यूज है, वो अब इस मतलब ये नहीं हो पाएगा। और इस पर पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अब नकेल कसने का काम कर रही है, जो आप लोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि फर्जी हो जाने के कारण जो सही छात्र एलिजिबल होते थे उनको जॉब नहीं मिल पाता था, और जो यहां पे फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करते थे उनको यहां पे जॉब मिल जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ एक ही समय में सेम ईयर में जिन्होंने डबल डिग्री लेकर रखा है उनके लिए भी भैया बुरी खबर है कि एक समय में वो एक ही डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए रेलवे की तरफ से ये कड़ा कदम उठाया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात किया गया है कि डिजी लॉकर के थ्रू आप बहुत सारा चीज़ों का ओरिजिनली भी फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर यह काम आएगा। अब देखिए इसको लेकर क्या डिसाइड हुआ है कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट चेयरमैन आरआरबीज एंड जोनल रेलवे सेल एंश्योर दैट ऑल रिक्रूटमेंट आर इंटीग्रेटेड विथ डिजी लॉकर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नोटिस। मतलब जो भी वैकेंसी आएगा वो सारा का सारा डिजी लॉकर से रिलेटेड रहेगा, चाहे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस का हो या फिर नोटिसेस का हो। इंडियन रेलवे आरआरबीज वुड इशू अपॉइंटमेंट लेटर एंड ट्रेवलिंग पास। देखिए यहां पे क्लियर बोल दे रहा कि अपॉइंटमेंट लेटर और आपका ट्रेवलिंग का जो पास मिलता है टू एलिजिबल क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑन डिजी लॉकर, तो आपको डिजी लॉकर में ही अवेलेबल कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डिजी लॉकर बेस्ड एंड व्हेनेवर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज टू बी डन। मतलब जो आपका डीवी होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो भी आपका डिजी लॉकर के माध्यम से ही कंप्लीट कराया जाएगा। इट वुड बी by the verifying officer and physical document not available as issue document in डिजी लॉकर। मान लीजिए कि आप जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल नहीं करा पाए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल चेकअप एग्जामिनेशन ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू रेलवे वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशू इन डिजी लॉकर टू बी कैंडिडेट एंड विथ रिस्पेक्ट टू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट द रेलवे हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट। देख रहे कितना बड़ा पॉइंट बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो आपका मेडिकल चेकअप होता है, एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो आपका रेलवे में होगा, वो सारा का सारा जो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग काम होगा वो सारा डिजी लॉकर के थ्रू ही होगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और जो भी अब आपका यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ बताया भी गया है कि ट्रेनिंग इज मैंडेटरी बिफोर ज्वाइनिंग ए वर्किंग पोस्ट लाइक ALP, लोको पायलट और आपका ASM मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ETC, द लेटर इशू बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विथ रेफरेंस टू विच ट्रेनिंग रिपोर्ट टू द ट्रेनिंग सेंटर और आपका ZTI सेल बी इशू ऑन डिजी लॉकर एंड ट्रेनिंग पे परफॉर्मेंस ऑल्सो प्लेस इन डिजी लॉकर ऑफ द कैंडिडेट। कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी अब आपका काम होगा वो सारा का सारा डिजी लॉकर के थ्रू होगा। और देखिए रेलवे की तरफ से अप्रूव हो के आया है, यहाँ पे रेलवे के जो आरआरबी के चेयरमैन है वो उसके पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको प्रणव कुमार मलिक का जो डिजिटली साइन है और राजीव गांधी का डिजिटली साइन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके ये लेटर जो है सभी को फॉरवर्ड कर दिया गया है। देखिए जितने भी रेलवे से संबंधित विभाग है सभी को ये लेटर जो है फॉरवर्ड कर दिया गया, और भारत सरकार का राजपत्र में भी
इसे अब शामिल कर लिया गया है। तो ये अपडेट है, परंतु इससे उन छात्रों को तो यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो एक ही साल में दो दो डिग्री लिए हैं, या फिर उन सब के लिए बुरी खबर है जो यहाँ पे फर्जीवाड़ा धांधली करने का प्रयास करते हैं। तो अब हमारा जो एग्जाम होगा वो ट्रांसपेरेंसी होगा, पारदर्शी होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा अब होने की उम्मीद नहीं है। तो ये छात्रों के लिए अच्छी खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक अच्छी पहल है जो हम लोगों के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से लाई गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।